एवरीवन, आप सबको स्वागत है आदित्य एंड अजय चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास है। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज मेरा बेटे का बर्थडे है, तो पूरा कंटिन्यू करूँगी केक कट करने तक, खाने पीने डिनर तक सब कुछ। तो अभी मैं नहा लिया हूँ, मुझे कपड़ा बालकनी में डालना है, तो चलिए पहले मैं कपड़ा डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। उसके बाद केक भी लाने जाना है और अभी डेकोरेशन का सामान भी नहीं लाई हूँ, तो अभी पहले मैं फटाफट कपड़े को डाल देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कुछ खा पी लेती हूँ, उसके बाद हम मार्केट चलेंगे, जो कि मैं आप सबके साथ पूरा ब्लॉग शूट करूँगी। शॉपिंग से लेके केक कटिंग तक और डिनर तक, A to Z आज की ब्लॉग में एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि पूरा मैं कवर करूँ। तो चलिए पहले मैं कपड़ा डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा धो के बाल्टी में रख रखा है और बाल्टी में यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे देखिए ये मेरा साड़ी है, जो कि तो इससे कपड़ा से कलर निकलता है, तो इसके लिए मैंने अलग अलग रख दिया, नहीं तो फिर कपड़े में जब कलर चला जाता है तो कपड़ा ख़राब हो जाता है और जल्दी छूटता नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नए घर में, दूसरे घर में शिफ्ट हो गई हूँ और आप सबका बहुत ज़्यादा ही डिमांड चल रहा है। मेरे शॉर्ट वीडियो पे आप सब कमेंट करते हो कि दीदी क्या आप घर को चेंज कर रखे हो क्या, दूसरे घर में आ गए हो क्या? तो जी हाँ, हम दूसरे घर में आके शिफ्ट हो गए हैं। और आप सबका ये भी कमेंट होता है कि दीदी आप अपना होम टूर करवाइए, दीदी आप ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो, मुझे आपका ब्लॉग देखना है। तो आप सबके डिमांड के ऊपर मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ और ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है, ये बर्थडे ब्लॉग है और मैं A to Z इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगी। तो मैं तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ और सारा कपड़ा जो है मैंने बालकनी में डाल दिया है। अब मैं जाऊँगी मार्केट बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। हमारे बेटे का ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। आज मेरा बेटे का बर्थडे है और देखिए बड़ा हो गया है, अपने से बेड लगा लिया, देखिए कितना अच्छा से पूरा एकदम सेट करके लगाया है। देखिए मार्केट जाने के लिए तैयार हो अजय? तैयार हो? चलो ठीक है। चलो आज क्या चाहिए गिफ्ट में, क्या चाहिए? चलो एक बढ़िया सा पहले केक खरीदते हैं मार्केट में जाके, फिर देखते हैं स्टेशनरी पे कि क्या अच्छा चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे फ्राइडे को मार्केट लगता है, मगर इसका बर्थडे जो है आज है। और चलिए फिर मार्केट जाते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या अजय को पसंद आता है, उसके बाद अजय सेलेक्ट करेगा। सो दोस्तों, हमें मिल गई है बर्थडे की शॉपिंग के लिए मनी, तो यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अब निकलते हैं मार्केट के लिए और अभी ढेर सारे शॉपिंग करनी है, अभी डेकोरेशन का सामान भी नहीं आया है, सब कुछ आज के आज ही करना है और आज बर्थडे भी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहना देती हूँ अपने बेटे का बर्थडे बॉय का जूता और उसके बाद चलिए अब रेडी हो जाती हूँ मैं भी चप्पल सैंडल पहन के, और आप सब भी मेरे साथ ही कंटिन्यू रहिए और चलिए आप सब भी हमारे साथ मार्केट घूमने के लिए। तो बस देखिए गली का नज़ारा कुछ इस तरीके से है जहाँ पे मैं रहती हूँ, और चलते 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 रास्ते में ही मार्केट दुकान मिलते जाता है, तो फिर मैं रास्ते में भी केक पूछ लेती हूँ और ठीक ठाक लगता है तो मैं। तो हम सब निकल चुके हैं मार्केट के लिए। कौन सा केक लेगा? अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया था कि कौन सा केक लेंगे अभी, मगर अजय बोल रहा है कि मुझे चॉकलेट केक चाहिए। सो
सो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे मिल गई है केक की दुकान, और यहाँ पे देख सकते हो रंग बिरंग के एकासे एक बढ़ के केक है, और एक किलो, आधा किलो, और मतलब साइज के हिसाब से यहाँ पे प्राइस है, तो यहाँ पे देख सकते हो। और अजय का डिमांड है कि मुझे चॉकलेट केक ही लेना है, तो बाकी दूसरे केक का तो मुझे प्राइस को पूछना नहीं है, चॉकलेट लेना है तो चॉकलेट का ही मैं प्राइस पूछ रही हूँ कि कौन कितने का है भैया। तो यहाँ से ही अजय को एक केक जो है पसंद आती है, और वो जो है केक मैं पैक करवा लेती हूँ, और वो सारे केक जो है मैंने कौन सा केक ख़रीदा है उसको तो आपको मैं घर में ही दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा केक ख़रीदा है। उसके बाद मैं गिफ्ट वगैरह सब कुछ पैकिंग वुकिंग करवा लिया हूँ, और अब मैं जा रही हूँ घर को, वापस आ रही हूँ। मेरी सारी शॉपिंग हो गई है और मैं वीडियो को कट कर 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 दिखा रही हूँ, नहीं तो भी बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि सो फ्रेंड्स हमारा सारा शॉपिंग हो गया है, अब मैं आ गई हूँ घर पे, और देखिए दो कैप मैंने लाया है ख़रीद के, और यहाँ पे बर्थडे के लिए हैंगर है, फुल थी लरी है, और बैलून है, गिफ्ट पैक करवाई हूँ बर्थडे बॉय के लिए, जो कि बर्थडे बच्चे को बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है कि क्या क्या पैकिंग है गिफ्ट में। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये अनार पटाखा है कि क्या है, इसका रियल में मुझे इसका नाम पता नहीं है, मगर मैंने बोला था कि वो दे दो अनार पटाखा जो बर्थडे केक पे लगाया जाता है, तो वो दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक पैकेट मैंने बैलून मंगवाया है, एक बास्केट बॉल है, एक कॉस्को की है, और यहाँ पे बस फाइनली सारा शॉपिंग हो गया। बस यहाँ पे देखिए दूध नहीं था, चीनी नहीं था, तो मैं दूध और चीनी भी अभी अभी जस्ट लेके आई हूँ नीचे से दुकान से खीर बनाने के लिए। और उसके बाद हाथ पैर धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ, और उसके बाद शाम की टाइम हो गई है, संध्या दिखाने का टाइम हो गया, तो घर में पहले मैं भगवान जी को संध्या दिखा देती हूँ, आरती कर लेती हूँ, उसके बाद डिनर बनाने जाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो एक तरफ मैंने खीर को भी पकने के लिए चढ़ा दिया था कि तब तक मैं संध्या वगैरह दिखाऊंगी, तब तक हमारा खीर जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो इधर देखिए मैं पूरी भी जल्दी जल्दी मैंने बेल के रखा है, और इधर खीर के लिए मैं कोकोनट को काट रही हूँ, नारियल को छोटे छोटे टुकड़े में। और खीर में ना किशमिश नारियल मतलब बहुत ही औसम लगता है, स्वाद जो है चार गुना बढ़ा देता है। उसके बाद दो से तीन मैंने इलायची को कूट के इसमें मैं डाल देती हूँ, देख सकते हो इस तरीके से क्रश करके डाल देती हूँ, फिर स्वाद के अनुसार चीनी डालती हूँ, और यहाँ पे अभी आपको दूध कमी दिख रहा होगा तो इसमें मैं आधा लीटर फिर से और दूध डालती हूँ गीला करने के लिए। तो फाइनली हमारा जो है डिनर बन गया है, अब मैं तैयार हो रही हूँ जल्दी से। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी केक कटिंग कब करोगी कब करोगी, तो जब तक तैयार ना होना तब तक मतलब फील नहीं आता बर्थडे का। तो जब भी बच्चे का बर्थडे होता है ना तो मैं तैयार होके ही कट करती हूँ, इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हाँ कुछ स्पेशल है हमारे घर में। तो यहाँ पे बस जल्दी से मैं तैयार हो जाती, तब तक मेरे हस्बैंड बच्चे इस तरीके से डेकोरेशन में लगे हुए हैं, देख सकते हो बैलून वगैरह इस तरीके से चिपका रहे हैं, फिर मैं भी जाके दो तीन बैलून जो है और बचे हुए हैं तो मैं भी इस तरीके से जाके और डेकोरेट कर देती हूँ। बस देख सकते हो फाइनली जो है डेकोरेशन हो गया है। इधर एक टेबल है, टेबल को भी डेकोरेट करना बाकी है। तो सो फ्रेंड्स अभी जो है जिस टेबल पे केक कट होने वाला है वो टेबल जो है अभी सुना सुना इसी तरीके से पड़ा हुआ है, बैलून बचा हुआ था तो मैंने सोचा कि लाओ जल्दी जल्दी मैं भी इसको डेकोरेट करने में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा काम था खाना उना बनाना और बाकी तैयारी तो मैं ही कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड बच्चे जो हैं इस बर्थडे का सेटअप तैयार करने में लगे हुए थे, तो मैं भी लग गई हूँ। और यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी टेबल को भी डेकोरेट कर देती हूँ, एक दो बैलून भी चिपका देती हूँ और बाकी सब। सो फ्रेंड्स अभी तक मैंने आपको केक का ओपन करके नहीं दिखाया है, और देखिए बर्थडे बॉय जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब एक्साइटेड है, वो अपने से दीपक जलाने में लगा हुआ है कि जल्दी से जल्दी मैं जलाऊँगा तो जल्दी से जल्दी केक कट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं केक को ओपन करके दिखा रही हूँ किस तरीके का केक है, बीच में ढेर सारा चॉकलेट भरा हुआ है, तो अजय को ये पसंद आया था, उसे लग रहा था कि मैं केक बीच में ढेर सारा चॉकलेट रखा हुआ है ना, तो उसे लग रहा था कि मैं चॉकलेट ही खाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं घुमा घुमा के दिखा रही हूँ, तो इस तरीके का केक जो है अजय को पसंद आया था, और ये देख सकते हो बस सब कुछ ओके है, और यहाँ पर फुलझड़ी को मैं लगा देती हूँ। चलिए कंटिन्यू इंजॉय करिए।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बर्थडे बॉय का चेहरे का रौनक देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि कितना खुश है। और सब कुछ मैं लेके आई थी मार्केट से, सारा शॉपिंग करके आई थी, मगर जब केक कट करने की बारी आती है ना तो सच में मतलब भुला गया था और मेरा भी दिमाग से निकल गया था कि मैं भी कैप लेके आई हूँ। और अभी जो है इसको मैं कैप पहनाई हूँ कि पूरा बर्थडे इसी तरीके से केक कट कर लिया, मगर कैप को किसी के याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या गिफ्ट में अजय को मिला है, सब कुछ अभी ओपन होने वाला है। तो चलिए कंटिन्यू रहिए और आ जाइए आप सभी केक खाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो अजय कितना खुश है, अपना केक बर्थडे गिफ्ट को संभालने में लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही खुश है। और यहाँ पे अजय कर रहा है अनबॉक्सिंग, अपना गिफ्ट दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो डांस कर रहा है, तो मैं बोली अच्छा ठीक है चलो अपना जल्दी जल्दी गिफ्ट को ओपन कर लो। तो ये जो है ये सबसे पहले गिफ्ट जो है आदित्य का खोल रहा है, अपना बड़े भाई का। तो यहाँ पे देख सकते हो उसको कैसा लगा अजय, ए इसका भैया दिया है, आदित्य दिया है डिजाइन रूलर। ये क्या है? डिजाइन रूलर। डिजाइन रूलर दिया है। और पापा ने क्या दिया? ए पापा दिए हैं, ये दिया पापा ने, ये तो तुमने दिया। ये देखो पाउच जो है पापा ने दिया है। कैसा है, पसंद आया? ये देखो ओ माय गॉड, अजय तो एक बार में खोल दिया। देखो दिखा दो पूरा पहले, ये देखो लेयर की किट, क्रिएटिविटी किट। हाँ इसको खोलो। नार जो फ्लेयर की रेजर, फ्लेयर की शॉर्पनर, फ्लेयर की पेंसिल वुडन पेंसिल, फ्लेयर की वैक्स की और फ्लेयर की स्केच पेंसिल और आखिर में फ्लेयर की एक स्केल। पसंद आया? सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो बहुत ही खास और स्पेशल था, तो डिनर भी कुछ स्पेशल होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।